Hello friend and welcome to the online teaching learning process. Our today's lecture number is 25th and our topic presentation on CRO and power factor meter. अब CRO और power factor meter क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. उसके पहले हम देखेंगे कि course outcomes क्या है. The student will able to use different measuring instrument and learning outcomes are student will able to describe with the sketch the construction and working of different measuring instrument. सबसे पहले हम power factor meter देखेंगे. अब power factor meter हमें नाम से ही पता चलता है कि वो हमें यहाँ power factor measure करके देता है. तो पावर फैक्टर इज हमें वैल्यू जो होता है पावर फैक्टर का वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर वन तक के स्टार्ट होता है. और हमेशा पावर फैक्टर ये 0.8 0.9 जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा, हमें लॉसेस कम रहेंगे. सो यहाँ हमें पावर फैक्टर मीटर दिख रहा है, हमें यहाँ फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल दिख रहे हैं डायग्राम में. और जो मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल के ऊपर हमने पॉइंटर अटैच किया जो कि हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा. डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए एक आपको पॉइंटर जो दिया है वो डिफ्लेक्टेड स्केल पे दिखेगा. 1.0 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर. एक लैग होता है, एक लीड होता है, तो यहाँ हमें लैगिंग और लीडिंग दिखेगा. नाउ वर्किंग हमें दिखेगा. द करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड. या दो प्रेशर कॉइल्स हमने मार्क किए हैं, ए और बी आर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई टर्मिनल्स एंड टेक करंट आई एंड आई बी रिस्पेक्टिवली. नाउ द करंट आई ए इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज वी एज इट्स सर्किट इज रेजिस्टिव, वाइल आई बी जो है वो लैग करेगा वोल्टेज को अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री से, क्योंकि वो सर्किट्स वहाँ हाईली इंडक्टिव है. हमेशा ये चीज़ हमें पता होती है कि जब सर्किट हाईली इंडक्टिव होता है तब यहाँ आपका करंट जो होता है वो लैग होता है बाय द वोल्टेज, एंड जब सर्किट आपका हाईली कैपेसिटी होता है तो करंट आपका लीड होता है. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द करंट कॉइल एंड द टू प्रेशर कॉइल कैरिंग लेस करंट, हेंस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन कॉइल ए एंड बी. द कॉइल वाइंडिंग्स आर अरेंज सच दैट द टॉर्क ऑन देम एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. नाउ जब दोनों टॉर्क जो ए और बी का है बिकम इक्वल, द मूविंग सिस्टम बिकम स्टेशनरी एंड द पॉइंटर शो स्टेडी डिफ्लेक्शन. जब दोनों जो टॉर्क रहेगा ए और बी पे, अब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो सिस्टम जो रहेगा वो स्टेशनरी हो जाएगा और पॉइंटर आपको स्टेडी डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो ये था आपका पावर फैक्टर मीटर. नाउ हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे आप सीआरओ भी कहते हो. यहाँ आपको सीआरओ दिख रहा है, यहाँ सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम आपको दिखेगा. इसमें देखिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक गन आपको दिखेगी. इलेक्ट्रॉनिक गन से यहाँ आपके रे जो है वो आपके पास हो रहे हैं, साथ में दो वर्टिकल प्लेट्स भी दिख रहे हैं और दो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आपको दिख रहे हैं. जो दो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं जो आपके कनेक्टेड है डीले लाइन और वर्टिकल एम्पलीफायर से, यहाँ से आपका इनपुट आएगा. और जो आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वो आपके कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस जनरेटर और ट्रिगर सर्किट्स के साथ. सिमिलरली यहाँ आपको जो पूरा सिस्टम दिख रहा है इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बीम दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम दिखेगा. वो फॉस्फोरेंस बीम की स्क्रीन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉनिक बीम आएगा और वहाँ एक ल्यूमिनस आपको स्पॉट भी दिखेगा. नाउ दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द सीआरओ. अब देखिए वर्टिकल एम्पलीफायर्स का काम ये होता है, जो स्ट्रेंथन करता है इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. देन ट्रिगर सर्किट, ट्रिगर सर्किट का काम है जो कि यहाँ आपको इनपुट देगा टू द टाइम बेस सर्किट. देन द आउटपुट ऑफ टाइम बेस जनरेटर इज एम्पलीफाइड बाय द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एंड देन इट इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ सीआरटी. सीआरटी जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली विच इंक्लूड्स थर्मली हीटेड कैथोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड. द इलेक्ट्रॉनिक बीम कमिंग आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली एंटर्स टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड द स्क्रीन ऑफ सीआरटी इंटरनली कोटेड विद फॉस्फरस मटेरियल ऑन विच वी ऑब्जर्व द वेव फॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल. सो दिस इज ऑल अबाउट सीआरओ. नाउ वी विल समराइज आर लेक्चर. टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द पावर फैक्टर मीटर एंड सीआरओ. In the next lecture, we are going to learn about Earth synchronoscope and trivector meter. Up till that, keep learning. Thank you.